अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से प्रदेश भर के होटलों और रिसॉर्ट पर छापेमारी कर रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए होटल संचालकों पर जुर्माना लगाने के साथ ही होटल भी सील की। वहीं हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में बने कई होटलों की जांच की। जांच के दौरान मानक सही नहीं पाए जाने पर उनका चालान किया। वहीं चेकिंग को लेकर सीओ सिटी भूपेंद्र सिंह धूनी ने बताया कि शहर में बने होटलों, रिजॉर्ट और होम स्टे की लगातार चेकिंग की जा रही है। मानकों की अनदेखी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पे एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग एवं पर्यटन डिपार्टमेंट, नगर निगम के द्वारा कंबाइंड एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोग विभिन्न अनियमितता है कि किसी होटल में पाया जाए तो उसको संचालन बंद करने की कार्रवाई के साथ साथ संबंधित के खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, शासन की नीति के अनुसार होटल, रिजॉर्ट, स्टे होम वगैरह जितने भी हैं, अभियान के तहत ये सारी चेकिंग चल रही है। इसमें जो भी अनियमितताएं होंगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसमें राजस्व विभाग हैं, अध्यक्ष इस कमेटी के एसडीएम साहब हैं, बाकी सदस्यगण हैं। तो सदस्यों में पुलिस है और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, खाद्य विभाग है, नगर निगम है। तो सारे ही सारे जो है मिलकर के चेकिंग कर रहे हैं।